अपने क्षेत्र की आवाज उठाए ना। जनगणना और मतगणना की बात क्या करने की जरूरत थी उनको। कंगना वाला इनके चुनी हुए सदस्य है, तो क्या बीजेपी का स्टैंड और कंगना का स्टैंड अलग है? बीजेपी अलग कमान इस पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? कुछ कहीं कार्रवाई कर रहा है इस पे। वो लोडर है, ये है, गुंडा है, माफिया है, पटांग बातों के मसीहा है, उन बड़बोले हैं। उनके पास वास्तव में नॉलेज नहीं है। कब हिंदी में स्पीच देंगे, कब भोजपुरी में आ जाएंगे, कब किसको गाली दे देंगे, कब किसकी पार्टी में चली जाएंगे। जब पकड़ना जानते हैं तो नब्तपन करें। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए। ये बीजेपी का गवर्नमेंट सिर्फ दो ही जात है, अमीरी और गरीबी। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों बेहद ही सुर्खियों में है और कारण यह है कि उनका बयान, वो लगातार ऐसे ऐसे बयान देती रहती है जिनसे बॉलीवुड खबरों में वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहे। और अब उन्होंने इसके पहले थोड़ा दिन पहले उन्होंने किसानों पर बयान दिया था और किसानों पर बयान देने के साथ ही उनकी बड़ी फजीहत हुई थी। लेकिन इसके साथ ही अब उन्होंने एक बार फिर से कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया, जो उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। ऐसे में कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे समझ लेते हैं कि कंगना के इस बयान को लेकर क्या सियासी मायने हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और उसी बयान के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जातिगत जनगणना जो है वो समाज के लिए घातक है। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की पूज्य महाराज जी ने जो बात कही है ये 100% सत्य कही है। और जो कंगना ने कहा है वो, कंगना देखिए वो हीरोइन है। पहली बात तो वो सिनेमा जगत से ठीक ना, और दूसरी बात वो चुन के आई हुई सम्मानित सदस्य है, ठीक है। तो उनकी बातों को हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी गंभीरता से हम उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार के लोगों को लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित हुई है, दिल्ली में जाके वही अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाज उठाएंगे। उनकी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने क्षेत्र की आवाज उठाए ना। जनगणना और मतगणना की बात क्या करने की जरूरत थी उनको। अच्छा एक बात बताइए, जब जातिगत जनगणना होगा तो केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाए, जो वहाँ के ज्वलनशील मुद्दे हों उसको उठाए। ये जनगणना और मतगणना सुनिए, आप समाजवादी पार्टी के लोग सुनने की याद निकालिए। मैं बता रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये सरकार की व्यवस्था है न किसान। अरे भाई सरकार के सदस्य है तो जहाँ के जिस प्रदेश की है वहाँ तो देखे। मैं बता रहा हूँ, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कह सकती थी कि ये हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाने, मुख्यमंत्री वो हाँ अपने प्रदेश के कहा कि नहीं होना चाहिए, सीधे तौर पर उन्होंने। अरे एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बताइए ना। अरे जनगणना जब वो चेहरा तो आप लोगों का है, ये जो लाल टोपी का मुद्दा अभी उठा है ये डबल चेहरा आप लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी टीका टोपी की राजनीति नहीं की है। अच्छा लाल टोपी रहेगा तो काले कारनामे में हुए ही अब तक बताइए ना, जितने भी भ्रष्टाचार घोटाले अपहरण लूट खिरती जितने भी हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। अरे रेप हो रहे हैं इनकी सरकार में। कंगना वाला इनके चुनी हुए सदस्य है, तो क्या बीजेपी का स्टैंड और कंगना का स्टैंड अलग है? बीजेपी अलग कमान इस पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? कुछ कहीं कार्रवाई कर रहा है इस पे। वो उनकी दोहरी चरित्र बीजेपी के शुरू से ये मान सकता है और आज खुल करके धीरे धीरे जनता के बीच में आ रही है। ये चलने वाला नहीं है। ये है जब बताइए हमारे प्रथम व्यक्ति को क्या करे, राम कोविड नाम लेने का तरीका नहीं मालूम, इसको अब संसद बनाकर उसमें भेज रहे हैं, जिनको नाम लेने का मालूम नहीं है किसकी। अरे मेरे भाई आप भूल गए क्या एक समय बोलता है प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने क्या बटेंगे कटेंगे, इसका क्या सियासी मायने हो सकता है? हमें राज करना है, हमें लूटना है, बहुत उच्च स्तर से लूटना है। अगर एक भी किसी भी हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री मनीषा पे अधिकारी है तो मैं उसी को मानने के लिए तैयार हूँ। 70 कंट्रियों की आबादी होता है, लोग हमारे आबादी देख लीजिए किस चरम सीमा पर बेरोजगारी है हमारे देश में कि 60,000 पुलिस भर्ती के लिए 48 लाख लोग वो दे रहे हैं, हमें परीक्षा दे रहे हैं। और ये बात करेंगे, ये मूल मुद्दों पे इन लोगों को भटकाना है, कटेंगे बटेंगे छटेंगे। और ये ओबीसी पे देखिए क्या मतलब है, जैसे बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मेन अजय कि यार आप अपना वोट बांटेंगे तो हमारी कुर्सी उतरेगी और हमारा वोट कटेगा, फिर हमें छाटा जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक और स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो लाल टोपी है उसके काले कारनामे पर आ जाए। हम लोग कंगना पे पहले क्लियर कर दीजिए, हमारे वो पार्लियामेंट की मेंबर हैं, उनकी बात पूरे विश्व में जाती है। अगर वहाँ से नहीं, हम तो एक भारत के स्वतंत्र नागरिक, वह चुन करके आई है, फिल्मी जगत से आई है, पढ़ी लिखी है, सांसद हैं और स्पीच दे रही है एकदम तोड़ने मोड़ने की। क्या ये आप उस मुद्दे पर उसका क्वेश्चन मत करिए, हमें क्वेश्चन मालूम हो गया। उस मुद्दे पर पीएम को इलेक्शन लेना चाहिए, सीएम को इलेक्शन लेना चाहिए, पार्लियामेंट के मेन मेंबर लोकसभा सभापति को लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब उस तरह के एक सांसद कहेगा तो हमारे देश में अराजक तत्व पैदा होंगे। तो क्या अराजक तत्व पैदा होने के लिए पार्लियामेंट? अरे सांसद की बात के बारे में आपको बता दें, आपके आजम चाचा, अरे आपके आजम चाचा की बात को आप भूल गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की बात को आप भूल गए कि बच्चों की गलती हो जाती है। इन्होंने नहीं, ये बात गलत। ये मंत्री मुख्यमंत्री और पीठाधीश जो वो उनको एक्शन लेना चाहिए। हम और इनको कहिए जब हम स्पीच दे रहे हैं तो बोले बिल्कुल। तो सर की बात यह बताइए, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीडर बनाती है और अन्य पार्टियां जो है लोडर बनाती है। ये 100% सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नेता बनाती है। आप समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो क्या है? लोडर है। लोडर है, ये है वो लोडर है, ये है गुंडा है, माफिया है। भाई साहब मैं दो चीज बात बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने राजभर जी का नाम ले लिया, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बढ़िया हैं। ये बताइए वो पटांग बातों के मसीहा है, उत्पटांग बातों के मसीहा है, उन बड़बोले हैं, उनके पास वास्तव में नॉलेज नहीं है। कब हिंदी में स्पीच देंगे, कब भोजपुरी में आ जाएंगे, कब किसको गाली दे देंगे, कब किसकी पार्टी में चली जाएंगे। लोकल लेते हैं ना, लोकल है तभी तो हार रहे हैं। नब्ज पकड़ना जानते हैं। नहीं, नब्ज पकड़ना जानते हैं तो नब्ज बन के हारना भी जानते हैं। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए। सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। जमीन से उठा हुआ नेता है, एक जमीन से उठा हुआ नेता अगर इस बात को कहता तो आपको क्या दिक्कत है? ना आज बुआ की याद आ रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसी बुआ के साथ जब गेस्ट हाउस कांड हुआ उस बातों को बोल रहे क्या? आप बताइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय। मैं आपको बता दूं, अगर इतना खराब होता तो जैसे आज हम मुद्दा उठा दे रहे हैं वेस्ट बंगाल का, उसी तरह तो कंगना पर होना चाहिए। हमारे क्या उत्तर प्रदेश में रेप नहीं हो रहा है? किसका बुलडोजर चला? आप देखें ना बीएचयू में दिन दहाड़े हुआ। जैसे कोलकाता वाला बात लेकर लोग तमाम कैंडल मार्च निकाले, हर जो रेप होता है उसको एक नजरिए से क्यों नहीं देखा जाता? किस नजर किस उसमें भी राजनीति किसी बहन बेटी के साथ आप उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का कृत्य करेंगे तो उनके वहाँ बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने का काम करती है। वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहाँ से क्या हुआ? क्या हुआ? किसके घर बुलडोजर चला? वो दबा के रख दिए, कहानी खत्म हो गई। वो तो राजनीति अभी बोल रहे थे कि बच्चों से गलती गलती चाचा बोल रहे थे कि कांस्टेबल को गोली चलाया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने का पुरस्कार किस सरकार ने किया? आपको इतना उनसे चिड़ है, उतनी लाल टोपी से चिड़ है और उतना वो अपराजिता उनको क्यों दिया? पार्टी का क्यों दिया आपने? यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रेम है जनता के बीच। आप बताइए ना, आप जनता पार्टी के दोहरा चरित्र नहीं चल पाएगा। चेहरा सबके सामने आ चुका। पद्म विभूषण ये देंगे और आकर मंच पे बोलेंगे कि उन्होंने सेवकों पे गोली चलाई है और उसको क्यों नवाजा सम्मान से? है जवाब इनके पास। ये लोग बता तो रहा हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सम्मान देना जानते हैं। अरे आप बताइए ना, इनकी सरकार ने जवाब सवाल फिर से दोहरा दे रहे हैं। आपने कहा कांस्टेबलों को गोली चलाई, बच्चों से गलती हो जाती है तो उनको आपने पद्म विभूषण क्यों नवाजा? आप क्यों नहीं दे? अरे आप देखिए, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पे थे, रक्षा मंत्री है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको हम लोगों ने वो सम्मान दिया, लेकिन आप आप लोगों ने देश को बांटने का काम किया, आप इस बात को क्या बताते हैं? मेहसान कहते हैं, बताइए ना। भाई साहब मैं आपको बता दूं, बीजेपी वो राजनीति करती है, गरीबों को लूटती है और अमीरों में बांटती है। गरीबों को लूट के अमीरों में 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का लोन माफ हो गया, कर्जा माफ हो गया। और यूरिया कितना मिल रही है? यूरिया कितना मिल रही है? 45 को ये नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी में इनको दिखाई नहीं देता। रोजगार के लाले पड़ गए, आज के दौर में रोजगार के लाले पड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 60,000 वाला जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे, उत्तर प्रदेश में तो केवल पेपर में लीक हो रहा है। अभी देखिए ये पूर्णता जब तक हो न जाए तब तक ये मत कहिए। किसके सेवाकाल में भर्तियों में लिस्ट आती थी? माननीय कैबिनेट मंत्री का लिस्ट आता था, बच्चा के लड़के होते थे पूर्वांचल। मेरा यही सीधा जवाब है, पूर्वांचल के लड़के क्या करेंगे? है सुनिए, अच्छा ये तो कानूनी प्रक्रिया है, FIR हुआ लास्ट, आप उसकी जानकारी हो रही है। जब होगा सहयोगी पार्टी से बीजेपी के लिए मामला दब गया, ऐसा कैसे दब गया? ऐसा दब गया, वो तो हमारे सब लोग कह रहे हैं कि भाई इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है। पढ़ा लिखा बड़ा होना, पढ़ा लिखा शिक्षा पर जोर देना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने सुना अगर इनको हम लीडर बना देंगे तो लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, इस बीच क्या देंगे? अभी ये लोकल राजनीति समाजवादी पार्टी की सरकार थी 20 साल में, कितने MPML पढ़े लिखे होता था हमको बताने का काम करें? हम बताए ना, अभी बताया। मैं पटोना से आया हूँ। अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम में एकता है, हिंदू में एकता नहीं है। आपने ये बात कहा ना, आप चमार को, डोम को अपने घर बुलाएंगे? आप तो खुद बांटे हुए हैं। नहीं, हम नहीं बांटे हैं। जात कोई नहीं है, देखिए जात सिर्फ ये बीजेपी के गवर्नमेंट में सिर्फ 2 ही जात है, अमीरी और गरीबी। अगर जो हिंदू, सुनिए, जो पैसा वाला है वो हिंदू है, अगर जो गरीब है, प्रधानमंत्री कहते हैं किसान है, महिलाएं हैं, गरीब है, ये सबको जात बनाते हैं। आपको आप भी तो, आप न्यूज वाले हैं, क्योंकि आप बताइए हम आपकी बात। देखिए मैं सबसे अच्छा ये जो यूट्यूबर है ना, उन मीडिया को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ फिलहाल। जितने भी प्रधानमंत्री के बात को मानते हैं कि नहीं? आप ये नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इतना झूठा आदमी, आप बताइए ना, लेकिन जापान में 20 साल पहले कहा मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, अगर मोदी जी का योजना अगर हमने एक भी अपनाया होगा, मैं अपना घर बार सब नहीं जाते होंगे, लेकिन आप बताइए ना, इसके पहले जो सरकारें थी, बताइए ना, की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया। हाँ तो कर दिया तो ठीक है, इनकी अपनी भावना होगी। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं। अब तक कांग्रेस की जब सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी, तो इनके वहाँ भागवत पढ़ा जाता था। अब ये कंगना से शुरू हुई और बात जो है विपक्ष और पक्ष पे आके खत्म हुई। बहरहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को लेकर एक शख्स जिस तरीके से आक्रोशित हो रहे थे, उसे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी भारत को 2 टुकड़ों में बांटती है, अमीरी और गरीबी में। अमीरों का जो गरीबों का जो रुपया है वो अमीरों को दिया जा रहा है और गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। बहरहाल कंगना से ये वार्तालाप शुरू हुआ और लाल टोपी और तमाम बातों पे आके खत्म हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।